ये विस्फोट राजेंद्र कसावा दो भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ का शहर का अध्यक्ष है, उसकी दुकान पर ये भारी मात्रा में विस्फोटक था। और जब मैं घटनास्थल पर कर पहुंचा, जिस तरह से सारे मकान ध्वस्त हो चुके हैं, मुझे पूरी शंका है कि यह विस्फोटक आम विस्फोटक नहीं था। यह विस्फोटक सामग्री टेररिस्ट अटैक में जिस तरह का विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाता, उस तरह का विस्फोटक सामग्री वहां पर मिला है। कई प्रकार के वो उपकरण भी वहां मैंने देखे हैं जो ये इंगित करते हैं कि कोई नया काम वहां पर होने जा रहा था। चूंकि गुजरात से छटा हुआ पेटलावत है, बिहार और झाबुआ का उपचुनाव होना है, आरएसएस और संघी पूरी तरह से वहां पर सक्रिय हैं। ये राजेंद्र कसावा आरएसएस का भी सक्रिय कार्यकर्ता है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ये सारा अवैध काम वहां पर हो रहा था। मुझे पूरी शंका है कि गोधरा पार्ट टू, बिहार और झाबुआ उपचुनाव में रिपीट करने का कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का था। अभी भी वो आरोपी फरार है, कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। और प्रदेश का मुखिया अपने मुंह पर जो व्यापम की कालिक पुती हुई है, उसको साफ करने के लिए कल पूरे दिन देश के गृह मंत्री की सेवा में भोपाल में हाजिर थे। देश के गृह मंत्री को भी वहां जाने का समय नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा, जिस तरह से प्रशासन की कार्यप्रणाली में लचीलापन मैंने देखा, नॉन सीरियसनेस मैंने वहां पर देखी, 90 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, इसमें 100 लोग अति गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन कोई सरकारी कार्रवाई को सरकारी मदद वहां पर नहीं। हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए।